दोस्तों, तो आज आपको सोशल मीडिया के प्राणियों से कुछ गुफ्तगु कराना चाहता हूँ। यहाँ के निवासी नित नए रंग की चीज़ें लेकर आते हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आती होगी, आप देखते होंगे। तो सबसे पहले ट्रेंडिंग देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर इंटरटेनमेंट ट्रेंडिंग के अंदर ऋतिक रोशन माफ़ी मांग, ये चल रहे हैं। दूसरी पॉलिटिक्स में CBI रेड है जो यकीनन मनीष सिसोदिया जी के लिए होगा। और लेटेस्ट अपडेट ऑन द वार यूक्रेन, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। एंटरटेनमेंट में तापसी पन्नू की जो दोबारा है वो रिलीज़ हुई, उसके बारे में चीज़ है। ट्रेंडिंग में लिक्वर स्कैम है जो दिल्ली और मनीष सिसोदिया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ होंगी। आसाम भी ट्रेंडिंग में है। द ट्रेलर फॉर कठपुतली इज़ हेयर, एक यहाँ पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से और ट्रेंडिंग चल रहे हैं। नो वन कैन मैच मोदी, एक और ट्रेंडिंग इंडिया से चल रहे हैं। 6127 ट्वीट लोगों ने दिया है। वहीं दूसरी जानब ट्रेंडिंग इंडिया में राहुल गांधी हैं जो जिसके लिए 46300 ट्वीट आए हैं। ट्रेंडिंग निर्भया है। लॉस एंजलिस टाइम्स के बारे में कुछ तस्करा है। रूपाली गंगुली है, उत्तराखंड है। तो बहरहाल ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हैं अभी की डेट में ट्रेंडिंग में, जबकि अभी सुबह के नहीं बल्कि दोपहर के 12:53 हुए हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो साथ लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे देते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ पर मैसेज आता है। वो कहते हैं कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोज़गार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोज़गारी और महंगाई से लड़ना चाहिए, उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर CBI ED का खेल शुरू कर देते हैं, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। यकीनन ये मनीष सिसोदिया साहब के ऊपर जो हो रहा है या फिर अपोजिशन लीडर के ऊपर जो CBI और ED का रेड हो रहा है, शायद इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी जानब एक सौरभ भारद्वाज हैं, उसमें वो भी कहते हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री देश की हर राज्य सरकार से लड़ रहे हों उस देश की तरक्की कैसे होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और यूज़र्स नज़र आते हैं जिनका नाम है अनंत विजय साहब। वो कहते हैं इंटरनेट मीडिया पर फिल्मों के बायकॉट का ट्रेंड क्या भारतीय समाज के मैच्योर होने का संकेत है? इसको कई प्रवृत्ति बताने वालों को साहित्य रंगमंच और फिल्मों का इतिहास खंगालना चाहिए। बहिष्कार के इस मकरजाल पर आज दैनिक जागरण के अपने स्तंभ लेख हैं और उन्होंने उसका एक यहाँ पर पूरा कटिंग दिया है। इसके अलावा और भी लोग हैं, आतशी हैं वो भी हैं। अगर मोदी सरकार को सचमुच मनीष सिसोदिया को ढूंढना है तो सुबह 6 किसी स्कूल चले जाइएगा, वहाँ मिल जाएंगे आपको इस देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री। और ये अजीब बात है कि जब बात CBI या ED या जो भी अथॉरिटी हो वो जब छापा मारते हैं तो पॉलिटिक्स को किस तरीके से चलाया जाता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर स्कूल का मामला तो है नहीं, लेकिन चलते कोई बात नहीं है, इन लोगों की बातें सुन लेते हैं। इसके अलावा अखिलेश शर्मा साहब हैं कि क्या फिल्मों के फ्लॉप होने के लिए पॉपकॉर्न भी ज़िम्मेदार है? 200 का टिकट लेकिन 400 का पॉपकॉर्न, बच्चों की ज़िद के आगे माता पिता घुटने टेक देते हैं पर अगली बार मल्टीप्लेक्स जाने से कतराते हैं। बहरहाल इस टाइप से और भी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं आपको सबसे पहले जो पहले मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी प्रतिक्रिया दिए थे उस पर लोगों की क्या राय हैं वो भी जानना ज़रूरी है। लेकिन आइए मैं आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बता देते हूँ। अब यहाँ पर एक और खबरें आ रही हैं और वो खबरें अजीब किस्म की हैं, मैं इसे दिखा नहीं सकता, श्रीकांत त्यागी का मामला, लेकिन यहाँ पे जो लेडी का मामला है वो अजीब है। इनकी बदजुबानी देखना हो तो आपका खुद ट्विटर पे जाना होगा, वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता। उनकी एक्टिविटी को भी दिखाने में मुझे शर्म आती है। बहरहाल मुझे यहाँ पर इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना है। लोग शराब के नशे में कुछ भी कह सकते हैं और एक औरत हैं तो उसका जो फ़ायदा कहें वो भी अजीब तरीके से लोग उठा रहे हैं। ये एक साहब हैं और काफ़ी अजीब किस्म की भद्दी बातें करते हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए, चूँकि ये एंगल ही दूसरा है, इस पर भी आपसे तस्करा करने की मैं ज़रूरत नहीं समझ सकता। बहरहाल आइए ट्रेंडिंग की दुनिया में चलते हैं।
ट्रेंडिंग में सबसे पहले हम लिक्वर स्कैम के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। ये मनीष सिसोदिया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें ही होंगी। दिल्ली लिक्वर स्कैम 10 क्वेश्चन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये है। और इसके बाद देशभक्त साहब जो हैं उनके बारे में है कि आफ्टर द रेड इन द कनेक्शन विद द लिक्वर स्कैम द CBI नाउ हैज इशू ए लुक आउट सर्कुलर अगेंस्ट 14 एक्यूज्ड इंक्लूडिंग दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। साढ़ो भारद्वाज भी अपनी बात कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि पॉलिटिक्स है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आइए एक राहुल गांधी साहब और नो वन मैच मोदी, इसमें क्या चल रहा है, आप आइए इसके अंदर भी देख लें। PM नरेंद्र मोदी गेव एन ऑल रीचिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन 8 ईयर, ये साहब कह रहे हैं। और अमित शाह साहब का तस्करा है। इसके बाद बायकॉट बॉलीवुड के बारे में, इसमें तरह तरह के कार्टून बने हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अजीब मामला, इसमें कुछ ख़ास ऐसा नहीं है। ये भी एक सियासत का, यहाँ का बिलकिस बानो के बारे में भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा सब बायकॉट बॉलीवुड द सीक्रेट जोक्स हैं। अच्छा, ये जोक्स भी आप सुनेंगे। ये जोक्स जो है, जोक्स वन वर्ड जोक, नेताबंदी, अच्छा नोटबंदी, वाह, टू वर्ड जोक्स अच्छे दिन, थ्री वर्ड्स जोक 15 लाख अकाउंट्स में, फोर वर्ड जोक्स सबका साथ सबका विकास, फाइव वर्ड जोक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिक्स वर्ड जोक्स 2 करोड़ नौकरियों का प्रावधान होगा, सेवन वर्ड्स जोक मुझे आप प्रधानमंत्री मत बनाइए चौकीदार बनाइए, एट वर्ड जोक्स साल 2018 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नाइन वर्ड जोक्स 2022 तक सबके लिए मकान की व्यवस्था कर देंगे। और दसवें नंबर पे कहते हैं 10 वर्ड जोक, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, भाई कमाल है। लिखने वाले बायकॉट बॉलीवुड के हैं, और जो भी कुछ कहा है, बहरहाल ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है, किसी को बुरा लगेगा लेकिन मज़े की बात तो रखती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से हमारे सामने में बहुत कुछ नज़र आता है। ये जो हमारे पास अलग अलग किस्म की चीज़ें आती रहती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उससे लोग बहुत मज़े भी लेते हैं और बहुत कुछ जानकारी भी मिलती रहती है। यहाँ पे कमाल रशीद खान साहब हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। कहते हैं, टुडे सिसोदिया सेड दैट अरविंद केजरीवाल इज़ डायरेक्ट चैलेंज टू मोदी जी इन 2024 इलेक्शन, सो इट इज़ क्लियर नाउ दैट ममता राहुल नीतीश केजरीवाल ऑल वांट टू बिकम ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मीन्स मोदी जी विल विन अगेंस्ट इन 2024 विथ बिग मार्जिन। बात सही है, क्योंकि जब आप बिखरेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी। यहाँ पे मिलिंद खान साहब हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में है जो वो कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे वीडियो, चूँकि यहाँ पर कोई मसला आ जाएगा इसलिए मैं इसको सुना नहीं रहा हूँ, इसमें उनका कहना है कि मेरी किडनी ख़राब हो गई थी, ऐसे वक्त में राजीव गांधी ने हमारी सहायता की थी और मैं US गया था और इलाज कराया था, जो राजीव गांधी के बारे में अच्छी बातें हैं। चलिए, ये तो चलता रहेगा। निर्भय का मामला है, निर्भय तो कई सदियों से चलता रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि हमारी मानसिकता भी सही नहीं हुई है। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि ट्रेंडिंग में थी, और हमारे दोस्तों की अपनी अपनी बातें थी। अभी 3 घंटा पहले उन्होंने कहा, जो उप मुख्यमंत्री दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, परसों पूरे 14 घंटे जो अपने घर में CBI के साथ थे, वो अब इन्हें मिल नहीं रहे हैं। क्या मजाक बना दिया है देश की संस्थाओं ने। हालांकि बात यह है कि ये जो लुकआउट नोटिस होती है वो ये होता है कि आप देश छोड़ के ना जाएं, देश के अंदर का मामला नहीं होता है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर ये सब ब्लेम लगाना या अपने बारे में कुछ बता देना, ये सब चलता रहता है। कोई बात नहीं है, चलता रहेगा, हम और आप इस तमाम चीज़ों को देखते रहेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए बस यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तो इजाज़त दी।